इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और IN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कई सारे मामले हर रोज एक साथ होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो अमिताभ और अनुपम खेर मोदी भक्त के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजाने के लिए कहा था तो यही वो फिल्मी हस्तियां थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर घर के पूरे फैमिली के साथ तालियां थालियां बजाई थी। पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विकास दुबे मामले को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अनुपम खेर घर वालों को और अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव बताए जाने की बात सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन चुकी है। खैर, सभी की दुआओं यही है कि कोरोना आलमी वबा हमारे देश से दफा हो जाए। बेलगाम में आज मुकम्मल लॉकडाउन रहा, बाजार बंद रहे, पर पॉजिटिव मामलों में इजाफा होता ही जा रहा है। फिर दो लोगों की मौत कोरोना से होने की खबर आई है। हिंडलगा में 58 साल शख्स की मौत कोरोना से हुई, जिससे हिंडलगा गाँव में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। इतवार को जिस शख्स की मौत हुई, इसकी वालिदा की मौत शनिचर को शदीद बीमारी से हुई थी, पर इतवार को मरने वाले का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसे कुछ ही लोगों के साथ अंतिम संस्कार किया गया और चिता जलाई गई। इसके मुकम्मल घर को भी सैनिटाइज किया गया, तो ग्राम पंचायत हिंडलगा की जानिब से गाँव के कुछ हिस्सों में सैनिटाइज किया गया है। पूरे ज़िले से 4000 स्वैब टेस्टिंग अब तक लैब में ही है और नतीजे नहीं आए, जिससे किस धीमी रफ्तार से स्वैब टेस्टिंग किए जा रहे हैं और बिल्कुल इत्मीनान से मामलों को लिया जा रहा है, ऐसा इल्ज़ाम भी जिला अस्पताल पर लगाया जा रहा है। क्वारंटाइन किए हुए अफराद जो आज़ादी से घूम रहे थे, ऐसे 34 लोगों पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। APMC थाने में भी कार्रवाई की जा रही है। निप्पानी चिकोड़ी में कल से 8 दिन लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिससे आवाम में अलग अलग राय देखने को मिल रही। क्या यह लॉकडाउन कोरोना को रोक पाएगा? आखिर कारोबार नहीं तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? ऐसा भी मजदूर पेशा लोगों का कहना है। अगर लॉकडाउन करना है तो गरीबों के घरों के चूल्हों की फिक्र करें, फिर हुकूमत फैसला ले, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो बढ़ते पॉजिटिव मरीजों के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है, ऐसा सियासी लीडरों का कहना। यह तो सच है कि आज भी पिछले लॉकडाउन से जिंदगियां संभली नहीं है। मुश्किल तो गरीबों का ही है, अमीर तो वैसे भी घर पे बैठ जाते हैं और जिंदा रहते हैं, ऐसा दिहाड़ी मजदूरों का कहना है। ऐसे कोरोना दौर में भी हुकूमत गिराने की आदत से भाजपा ही बाज नहीं आ रहे। राजस्थान हुकूमत गिराने की फिर इन्हें जल्दबाजी दिखाई दे रही है, और इसी जल्दबाजी में दो भाजपा कायदों को गिरफ्तार भी किया गया है। RBI ने जहाँ 100 साल के सबसे ख़राब मोड़ पर देश होने की बात रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास ने कही है, तो वजीर आजम मोदी ने सब कुछ ठीक चल रहा है का राग अलापना शुरू किया है। MLA सतीश जारकीवाली हर साल सदाशिवनगर शमशान में इजलास मुनक्कद करते हैं, और इनका इस इजलास के पीछे मकसद यही होता है कि शमशान को लेकर गलत फहमियाँ कुछ लोगों की तरफ से फैलाई जाती है। ना सिर्फ शमशान बल्कि समाज में कुछ गलत रस्म रिवाज की वजह से अंधश्रद्धा यानी गलत अकायद पर भरोसा रखते हैं, जिसका फ़ायदा ढोंगी लोग लेते हैं। लिहाजा हर साल शमशान में लोगों को खाने की दावत की जाती है। एक बार फिर कल सदाशिवनगर शमशान में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जानिब से अपनी गाड़ी की पूजा शमशान घाट में सतीश जारकीवाली करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यह एकदम काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ढोंगी लोगों के खिलाफ जब तक तहरीक छेड़ी नहीं जाती तो समाज के झूठे ढोंगी बाबाओं को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि आवाम को इसी तरह अधर्म के नाम पर ठगा जाता है, और जब इनकी मुखालफत की जाती है तो दाबोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश की तरह हत्याएं की जाती है। लिहाजा सतीश जारकीवाली ने ढोंगियों के खिलाफ तहरीक छेड़ी है, वाकई काबिले तारीफ है। आवाम को चाहिए कि इनकी हिमायत करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।